मुझे मोहम्मद हनीफ कहते हैं और यहाँ नज़दीक में मेरा गांव है मन्ना का, और मैं सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ा रहा हूँ और जो हमेशा उसमें काम करता रहता हूँ, और न्याय और इंसाफ की लड़ाई हम लड़ते हैं। और ये जो घटना हुई है, इस घटना में गाय वहाँ से हटवाड़ा जयपुर से ख़रीदी गई, वहाँ रसीदें बनी गई, और वहाँ रसीदें बनवा कर और ये जो है दो कैंटा में गाय ला रहे थे और गाय दूध की थी और वो बहुत अच्छा दूध देने वाली गाय हैं। ये एक जो दो गाय हैं, दो गाय तो 45,000 की थी, तीन गाय 75,000 रुपये की थी। और वो गाय को लेकर आ रहे थे तो पता नहीं कैसे किसी ने सूचना दी होगी, तो वहाँ जो है काफ़ी तादाद में लोग खड़े थे, उन्होंने इनको घेरा और गाड़ियों में से खींच कर इनको जो है बुरी तरह से मारा, पीटा और इतनी बेदर्दी से मारा कि पहलू की तो 12 पसलियाँ टूट गई, कोई मामूली बात नहीं है। और चाबियाँ उनके सर में घुसा रहे हैं, उसके बदन में घुसा रहे हैं चाबियाँ, यानी मानवता बिल्कुल जो है क्रूरता से बदल गई और मानवता का कहीं नामो निशान नहीं रहा। और उसके साथ जो है अजमत था, अजमत के साथ भी उसी तरह से मारपीट हुई। पहलू खां का तो इंतकाल हो गया 3 तारीख को, लेकिन अजमत की हालत अभी भी ठीक नहीं है। फिर उसके साथ दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी में 3 गाय थी और 75,000 रुपये की गाय थी, और उसके उनमें उसमें जो लोग थे उनके साथ भी उसी तरह से मारपीट हुई। और जब इन्होंने देखा कि भाई अब ये मर गए हैं, तब उनको उठाकर जो है वो पुलिस आई, पुलिस ने आकर फिर उनको उठाकर हॉस्पिटल में बंद किया। तो ये एक बहुत बड़ा क्रूरता का मामला है। देखिए वो तो जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, वो बजरंग दल के लोग हैं, शिवसेना के लोग, कौन कौन लोग हैं उनको सारा मीडिया सारा जानता है, अफसर लोग सारे जानते हैं, सरकार उनको जानती है, सरकार का उनको जो है आशीर्वाद है। और जो है सरकार के जो बड़े बड़े लोग हैं वो गोल मोल बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो और इन लोगों ने तो क्या है, तो वहाँ बहुत सारे लोग भैंस लाते हैं ख़रीद के, बड़ी बड़ी दूध की भैंसें उधर मिलती हैं, उन दूध की भैंसों को के साथ भी इसी तरह से करते हैं, भैंसों को उतार लेते हैं, भैंसों को अपने घरों में बांध लेते हैं और इनको बेचारों को मार पीट के इनके पास जो जेब में पैसे होते हैं उनको भी खोस लेते हैं और इनको भगा देते हैं। तो ये तो इनका एक धंधा बना हुआ है। मेरा भाई था उसमें, अजमत नाम है, उनकी हालत जो है अभी सुधार में नहीं है, क्योंकि जब ये वहाँ से मेले से अटवाड़े से निकल रहे थे 6:30 बजे हफ्ते की शाम को, तो बहरोड में जो है 3-4 लोगों ने बाइक से पहले आगे घेरा है, शिफ्ट एक गाड़ी और थी बता रहे हैं, तो फिर उनको खींच करके जो है डंडों से
क्या नाम है हुकियों से उनको मारना शुरू कर दिया। वो तो वीडियो वायरल हुआ है ना, उसमें वो दिख रहा है, उसके अलावा तो कोई उनको पता नहीं। वो तो इस तरह मार रहे थे कि जब 10-12 आदमी थे, फिर उसके बाद में 30-40 हो गए, 50 हो गए, 100-200 लोग हो गए, वो तो उनको तो पता ही नहीं। फिर वो बेहोशी के हालत में कुछ लोग पड़े रहे वहाँ पे। देखिए, मुख्य डिमांड हमारी ये है कि एक तो जिन लोगों ने ये बेकसूर लोगों को मारा है उनको जो है 302 के मुकदमे में उनको फौरी तौर से अरेस्ट किया जाए, नंबर एक। दूसरा ये है कि जो गाय छीनी गई हैं उन गायों को, पशुओं को वापस उनके गांव में वहां सरकार अपने खर्चे पर पहुंचाए। तीसरा यह है कि इनके पास से जो पैसे छीने गए हैं उनको भी वहां पहुंचाए। और अगली बात यह है कि पहलू के जो कितना कमाता था, कितना बेचारा अपना परिवार चलाता था, छोटे छोटे बच्चे उसके हैं, तो उसको जो है मुआवजा दिया जाए 50 लाख रुपए का तो कम से कम होना चाहिए। और फिर जो गाड़ियों को तोड़ा है, गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है, उन गाड़ियों को का मुआवजा दिया जाए और उन गाड़ियों को घर पहुंचाया जाए। और अगली बात यह है कि ये जो जिन्होंने आतंक फैला रखा है पूरे देश में, इनको बैन किया जाए। गांधी ने कहा था, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद गांधी का वो वायदा भी टूट गया। गांधी 30 जनवरी को नहीं मरा, गांधी उस दिन मरा था जिस दिन हमारे खां भाई को अलवर के अंदर गोली मार करके या यातना दे करके मारने का काम हुआ था। गांधी की हत्या उस दिन भी हुई थी। मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने सभी साथियों को अपनी पार्टी की तरफ से पूरा आश्वासन दे करके कि इस संघर्ष को सड़क से लेकर के संसद तक जहां आप उठाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेवात के लोगों ने क्या कहा जब उनके पास गए मुस्लिम लीग की तरफ से लोग कि पाकिस्तान चलो, उन्होंने कहा तुम यहां से हट जाओ, हमारा मुल्क, हमारी तहजीब, हमारी जान, हमारी रूह सब इसी मुल्क में है, हम इसको छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो ये मेवात के लोग हैं, ये उनकी देशभक्ति है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम हिंदुत्ववादी ताकतें ये अब देशभक्ति सुनाने चाहिए। पहलू खान का कत्ल करके देशभक्ति बता रहे हैं, मेवात के लोगों को अत्याचार करके देशभक्ति बता रहे हैं, दादरी में अखलाक खान की हत्या करके देशभक्ति समझा रहे हैं। इनकी देशभक्ति मुल्क में नफरत, डर और आतंक का माहौल पैदा करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, आखिर में यही कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। आज आप सब इकट्ठा हैं यहाँ पर, ये तथाकथित हिंदूवादी हिंदू विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा जो लोगों के खान पान पर आपत्ति करते हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। इन इंसानियत के दुश्मनों को परास्त करना हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। पहलू खान को यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हम अखलाक के परिवार जनों के साथ भी एकजुटता प्रकट करते हैं। हम लतेहार के उस बच्चे के परिवार के साथ भी एकजुटता प्रकट करते हैं, क्योंकि देश भर में ये जो घटनाएं घट रही है उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है और भी तेज किया जाएगा। इसलिए संघर्ष की अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू है सड़क पर उतर के अपनी शक्ति को जाहिर करे। दूसरी पहलू है जितने भी केस हैं उन तमाम केसों की भी हमें फॉलो अप करके, ताकि अदालत के द्वारा जो न्याय के ऊपर ये सरकारें हमला कर रहे हैं उसको भी हम रोक सकते हैं। इसलिए अदालत के अंदर भी हमें बहुत चौक से बरत कर हमें वहाँ भी अपने पूरी टीम को भेजने की जरूरत है।